वो क्षतिपूर्ति राशि भी आरबीआई के माध्यम से कर्ज के रूप में देती थी। और इसमें देखिएगा आप इसमें कि केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्षों में नुकसान के भरपाई के तौर पर 1 भी रुपया बिहार को नहीं दिया, जबकि अन्य राज्यों को दिया गया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को इन 2 वर्षों में 8,874 करोड़ रुपये दिया गया, आंध्र प्रदेश को 3,199 करोड़, गुजरात को 3,364 करोड़, हरियाणा को 1,325 करोड़, उत्तराखंड को 1,449 करोड़, कर्नाटक को 8,633 करोड़ रुपये दिए गए। और केंद्र ने जो कहा, जो नहीं देने का, दो वर्षों से नहीं देने का राशि का जो बहाना लिया, उसने कहा कि चूंकि भाजपा सरकार ने बिहार को कोविड महामारी के दौरान आर्थिक सहायता दी थी, इस कारण क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलेगी। ये कितना हास्यास्पद है कि भाजपा, देखिए एक तो कोविड के समय में जो बिहार ने कार्य किया, जो बिहार ने कोविड में इलाज के दौरान कार्य किया गया, ये तो पूरे बिहार हिंदुस्तान के लिए तो है ही, विश्व के लिए मिसाल है। कोविड से मृत व्यक्तियों के सहायता राशि के रूप में 4 लाख रुपए दिए गए, बिहार इकलौता ऐसा राज्य था। और पड़ोसी राज्य देख ले उत्तर प्रदेश में, जहाँ की लोग को एक डिग्निफाइड मौत भी नसीब नहीं हुई, लाशें गंगा जी में तैर रही थी, उसकी बातें मैं तुलनात्मक नहीं कर रहा। तो क्या कोविड के दौरान आम जनता की सेवा करना हमारी राज्य सरकार के लिए पाप बन गया कि इसकी बहाना को लेकर के केंद्र सरकार ने जीएसटी राशि की क्षतिपूर्ति राशि 2 वर्ष तक नहीं दिया? और आप अगर देखेंगे तो आप पिछले 5 वर्षों के दौरान जीएसटी के कारण राज्यों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि कुल रकम में बिहार के साथ भेदभाव किया गया है। बिहार को मात्र 15,441 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि गुजरात को 46,311, दिल्ली को 31,755, हरियाणा को 18,772, कर्नाटक को 62,896, मध्य प्रदेश को 21,416, उत्तर प्रदेश को 34,109 और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों को भी 11,217 करोड़ रुपए दिए गए 5 वर्षों में। और बिहार को क्या दिया गया? 15,441 करोड़। तो बिहार के साथ भेदभाव आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, पूरे राज्यों में जब 5 वर्षों में जो 5,55,121 करोड़ रुपयों के क्षतिपूर्ति राशि के रूप में राज्यों में बांटा गया, तो 5,55,121 करोड़ रुपये में बिहार का हिस्सा कितना मिला? 15,441 करोड़ रुपये, जो कि कुल राशि का 2.78% हुआ, जबकि बिहार में देश की कुल जनसंख्या 8.6% है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो बिहार को 5 वर्षों में कम मिला, 2 वर्ष तो कुछ नहीं दिया कि कोविड महामारी में दिया गया, और अन्य राज्यों के प्रति कितना भेदभाव किया गया। इसके साथ ही अगर आपको बताएंगे हमारे जो आप स्वास्थ्य का मैं कहता हूँ, बाकी भाजपा की केंद्र सरकार राज्य विरोधी और गरीब विरोधी है, जन विरोधी है, और उसकी एक एक चीज़ों पर जो किस तरह से जनता को नुकसान होता है। तो आज उदाहरण तय हम लेंगे जीएसटी को। जीएसटी कर जो है उसको पहले वैट कर होता था, कहलाता था, वैट कर के जगह 2017 में केंद्र सरकार ने उसे जीएसटी कर दिया। जीएसटी कर करने से पहले वैट से मैं आजकल कितना नुकसान हो रहा है इस पर मैं बताऊंगा, उनके भेदभाव नीति है और जन विरोधी नीति है। तो जब जीएसटी कर लागू हुआ तो केंद्र सरकार ने कहा कि जिस राज्यों को डिफरेंस होगा, जो उसको दिक्कत होगा, जो घाटा होगा, उसको क्षतिपूर्ति की जाएगी। वो क्षतिपूर्ति की राशि भी देना अब केंद्र सरकार ने बंद कर दिया, और जब दे रही थी तो भी बिहार ऐसे गरीब राज्यों के साथ भेदभाव करके आम राज्यों से काफ़ी कम दिया करती थी। एक तो ये है। दूसरा बिंदु है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु में कि केंद्र सरकार जो है उसकी जीएसटी की नीति जो पहले कभी नहीं हुआ था, खाद्य वस्तुओं पर, अति आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को लागू कर दिया, या अगर जीएसटी दर था कम तो उसे बढ़ा दिया। इससे जो महंगाई बढ़ी, जो महंगाई तो पहले भी थी, महंगाई बढ़ गई। तो इसी सब चंद बिंदुओं पर हम दिखाएंगे। और भाजपा एक चीज़ में नहीं, भाजपा की जन विरोधी नीति ऐसी है, महंगाई की मार जनता के बीच ऐसी है, बेरोजगारी की मार ऐसी है कि जनता आज के दिन में भाजपा मुक्त भारत खोज रही है, जो कि 2024 में हम लोग उसको देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक विपक्षी एका के मालाकार की तरह एक करने में लगे हुए हैं,
और भाजपा मुक्त बनाने का जो बिहार से हम लोगों ने शुरू किया है,